हाय वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ चांदनी चौक के अंदर। आप देख सकते हो ये है चांदनी चौक वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पे कोई भी हैवी मोटर व्हीकल अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आप आराम से पैदल चल सकते हो और बहुत सारे रिक्शा मिलेंगे। पर आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जो एक ब्रांड न्यू मॉल खुला है, जिसको लोग कहते हैं ओमैक्स। तो चलो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये अंदर से कैसा दिखता है। वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले हमने एंटर किया इसको, एक खूबसूरत सी वाइट बिल्डिंग, बहुत बड़ी, जिसको आप मेरे पीछे देख सकते हो। मेरे साथ रवि गया था, हम दोनों ने बहुत मज़े करे एक्चुअली। यहाँ पे दिस इज़ दी मेन एंट्री और एग्जिट भी अभी फ़िलहाल यही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन नहीं हुई हैं। तो आप देख सकते हो एक बस की साउंड आती है इसको एंटर करते हुए। यहाँ पे आपको अपना बैग रखना है, बिल्कुल सेम जैसे मेट्रो में होता है। अगर आप आसपास देखो ऊपर सीलिंग क्या बढ़िया इन्होंने बनाई है, मज़ा आ के देखते ही। बट बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम सेकंड फ्लोर पे गए और वहाँ जाकर हमने देखा कि मेन चीज़ तो दिल्ली वालों की यहाँ पर है, द अमेजिंग फूड कोर्ट। एंटर करते ही क्या मस्त दिख रहा था, खाने का मन कर गया सीधा ही। वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं आया था ओमैक्स मॉल, जो चांदनी चौक में दिल्ली के बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, अभी रिसेंटली खुला है। तो और यहाँ पे फूड कोर्ट में हम बैठे थे, क्या सही एम्बियंस है यहाँ पे। और हमने ऑर्डर किया गया है यहाँ पे, हमने ऑर्डर किया यहाँ की स्पेशल चीज़ें, एक अमृतसरी कुलचा थाली समथिंग और एक मसाला डोसा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये शॉप है यहाँ पे और एक शॉप है यहाँ पे, दोनों का बिल एक ही जगह पे होता है, मतलब ऑर्डर आपको सेम ही जगह देता। तो हमने जो यहाँ की स्पेशल चीज़ थी वो ऑर्डर करी है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये रहा बिल इनका, एम्बियंस बहुत सही है। सेकेंड टॉप फ्लोर पर इसका, इसके ऊपर कोई और फ्लोर है नहीं। तो जस्ट वेट फॉर द फूड एंड आई विल गिव यू द रिव्यू। खाना आ गया था इन क्वाइट सम टाइम। आप देख सकते हो प्लेट देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। ट्राई किया सबसे पहले अमृतसरी कुलचा, बहुत सही था, अमृतसर से ज़्यादा बेटर था। फिर मैंने ट्राई किया डोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवरेज था, मज़ा नहीं आया मेरे को। और खाना खाने के बाद हम चले गए यहाँ पे इतिहास गली के अंदर। और अंदर जाते मुझे लगा कि वाओ, अभी तो ये फूड कोर्ट ख़त्म नहीं हुआ, शुरू ही हुआ है। अंदर आते ही मुझे यहाँ पे दिखी बहुत ज़्यादा ग्रीन लाइट्स, और उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गया तो यहाँ पे मुझे दिखी बहुत सारी ब्लू लाइट्स। बट हम जब जा रहे थे बाहर की तरफ तो ये बहुत अच्छी लिफ्ट दिखी, फिर मुझे ये भेल वाले भैया दिखे, फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखी रेड लाइट्स एंड आई वॉज सो अमेज्ड कि भाई कितनी ज़्यादा अलग अलग तरह की लाइट्स हैं, इंटरेस्टिंग डो। तो बहुत अच्छी लोकेशन थी, हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी, ये एक फ़ोटो, ये फ़ोटो, ये फ़ोटो, बहुत सारी हमने अलग अलग जगह पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड दीज आर द सेल्फी पॉइंट्स। फाइनली हम लिफ्ट ली और फिर हम लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पे गए। इनकी लिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 21 पीपल एक साथ आ सकते हैं। जब हमने ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर किया तो हमें दिखाई एक खूबसूरत सा कॉरिडोर, फिर हम इससे वॉक करते हुए गए उसकी दूसरी साइड पे एंड जब दूसरी साइड पहुँचे तो पता लगा कि अरे वाह क्या बढ़िया जगह है। बट एक्चुअली उन्होंने फ़ोटोशूट के लिए बंद कर रखा था, यानी किसी भी विजिट के लिए बंद कर रखा था। बट यहाँ से अगर आप देखो, मैं इसको थोड़ा स्लो करके दिखाता हूँ, क्या फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, मज़ा आ गया। और गाइस ओमैक्स मॉल पूरा हमने घूम लिया, एक्सप्लोर कर लिया साथ में, और कुछ नहीं था वहाँ के अंदर। जो भी चीज़ थी मैंने आपको सारी दिखा दी वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहो चैनल पे।